नमस्कार दोस्तों, मुसाफिर की एक और नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। अपने पास है टाटा और वो भी एस गोल्ड सीएनजी ऑप्शन के साथ में ये गाड़ी अवेलेबल होती है, जिसमें आपको सीएनजी, डीजल और पेट्रोल तीनों ऑप्शन होते हैं। पर आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले वो है टाटा एस गोल्ड सीएनजी के साथ में। अगर इस गाड़ी का अगर इंजन की बात करें तो 700 सीसी का अपने को इस गाड़ी के अंदर इंजन मिल जाता है, जिसमें आपको 26 BHP की पावर और 50 Nm का टॉर्क है वो मिलने वाला है इस गाड़ी के अंदर। वही आपको 700 cc इंजन मिलता है, वो भी अपने को मिलता है 2 सिलेंडर के अंदर, जिसमें अपने को सीएनजी के अंदर एवरेज देने वाली है 21 से 22 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है वो अपने को इस गाड़ी के अंदर आराम से मिल जाता है। और वही हम गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस तरीके से अपने को इस गाड़ी की जो फ्रंट प्रोफाइल है वो मिल जाती है। यहाँ पे आपको एस की बैजिंग मिल जाएगी, गोल्ड की बैजिंग मिल जाएगी, वही आपको टाटा की यहाँ पे लोगो वो भी मिल जाता है, वो भी आपको क्रोम के साथ में। वही अपने को ग्रिल मिल जाएगी, नंबर प्लेट के लिए प्लेसमेंट है वो मिल जाती है, और नीचे की तरफ आपको एक ग्रिल है वो मिल जाएगी। फॉग लैंप के लिए प्लेसमेंट है वो भी यहाँ पे अवेलेबल होती है। वही आपको हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट आपको हेलोजन में लो बीम और हाई बीम का ऑप्शन है वो अपने मिल जाता है, वो भी रिफ्लेक्टर के साथ में। यहाँ पे आपको इंडिकेटर का ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। अंदर की तरफ अच्छे वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे ग्रिल दी गई है दोनों तरफ, और वहीं आपको काफी बड़ी विंडशील्ड एरिया मिल जाता है, जिसमें आपको 2 वाइपर मिल जाते हैं, और वहीं आपको वाइपर के साथ में जो विंडशील्ड वॉशर वो भी आपको इनबिल्ड मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका फ्रंट प्रोफाइल है वो मिल जाता है। जैसे आते हैं गाड़ी के साइड में, तो गाड़ी के जैसे साइड में आएंगे तो साइड व्यू मिरर है वो आपको कुछ इस तरीके से आपको जो साइड व्यू मिरर है वो मिल जाता है, जिसको आप मैन्युअली एडजस्ट करने का ऑप्शन है वो अपने को इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपको इंडिकेटर मिल जाता है, और MPGI की जो बैजिंग है इंजन की वो भी अपने को यहाँ पे मिल जाती है। नीचे की तरफ आते हैं तो 2 कमानी पट्टे जो पैराबोलिक कमानी पट्टे वो आपको फ्रंट में मिल जाते हैं, और पीछे की तरफ आपको 4 सेमी इलेक्ट्रिकल जो सस्पेंशन है वो अपने को पीछे की तरफ मिलने वाले हैं। फ्रंट में आपको 12 इंच के टायर मिल जाते हैं, वो भी आपको ट्यूब के साथ में इसके टायर का ऑप्शन है वो अपने को यहाँ पे मिल जाता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन है वो भी अपने मिल जाता है। वहीं आपको शॉप ऑब्जर्वर के लिए आपको शॉकर है वो भी इस गाड़ी में अवेलेबल होते हैं। जैसे गाड़ी के पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको इसका स्पॉइलर है वो मिल जाता है, जिसकी तरफ से इसका जो एयर इंटेक है वो काफी अच्छा हो जाता है, और वहीं आपको यहाँ पे एक एयर फिल्टर है वो भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्यूज बॉक्स मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको एमरोन का जो बैटरी है वो भी अपने को यहाँ मिल जाती है। जैसे गाड़ी के नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पे 2 सिलेंडर मिल जाते हैं, जिसके आपकी वाटर जो कैपेसिटी है वो आपको 70 लीटर आती है, जिसके अंदर आपको आराम से 12 kg तक का जो CNG है वो मिल जाता है, जिसकी एक बार आपको फुल इसको फुल करने पे करीब करीब इसमें आपको यहाँ पे 240 किलोमीटर की रेंज है वो अपने को इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली है। अगर कार्गो एरिया की बात करें तो आपको इस गाड़ी की जो कार्गो एरिया की लंबाई है वो मिलने वाली है 8 फुट 3 इंच, और वहीं आपको इस गाड़ी की जो चौड़ाई है वो मिलने वाली है 5 फुट 3 इंच, जिसकी वजह से इसका जो कार्गो एरिया वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्पेसियस एरिया अपने को इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। अगर इस गाड़ी की लोडिंग कैपेसिटी बात करें तो 640 जो kg की लोडिंग कैपेसिटी है वो अपने को इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। पीछे की तरफ आपको लेज मिल जाएंगे, CAG की बैजिंग है वो अपने को यहाँ मिल जाती है। वहीं आपको पीछे की तरफ 2 रिवर्स सेंसर है वो भी अपने को इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है, नंबर प्लेट के लिए प्लेसमेंट मिल जाएगी, और उसी के साथ में आपको टेल लाइट है वो उसका ऑप्शन भी आपको पीछे की तरफ मिल जाते हैं। यहाँ पर स्पेयर व्हील के लिए आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील के लिए प्लेसमेंट वगैरह है वो भी यहाँ पे दी गई है। जैसे गाड़ी के साइड में आएंगे तो कुछ इस तरीके से गाड़ी का जो साइड प्रोफाइल है वो मिल जाता है, जिसमें आपको दोनों तरफ का साइड प्रोफाइल है सेम मिलने वाला है। चलते हैं अगर गाड़ी के अंदर, देखते हैं गाड़ी के अंदर आपको क्या कुछ मिलने वाला है। जैसे गाड़ी का डोर खोलते हैं यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ग्लास एरिया जो अप और डाउन का ऑप्शन मिल जाता है, और वहीं आपको जो भी इसका जो टेल गेट है उसको खोलने का ऑप्शन भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। हैंडल मिलेगा, और उसी के साथ में सीटों की बात करें तो पूरी तरीके से लेदर के साथ में ये सीटें अवेलेबल होती है। सीट को आगे पीछे करने का ऑप्शन है, और उसी के साथ में जो बैक सपोर्ट है उसको भी एडजस्ट करने का ऑप्शन है वो अपने को इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। अगर स्टेयरिंग की बात करें तो आपको इस गाड़ी के अंदर आपको मैनुअल स्टेयरिंग है वो अपने को इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। उसी के साथ में ऊपर की तरफ सनवाइजर मिल जाता है ड्राइवर साइड में, और एक आपको यहाँ पे जो रूफ लाइट है वो भी यहाँ पे अपने को मिलने वाली है। डैशबोर्ड की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो मिल जाता है, जो नॉर्मल डैशबोर्ड है वो मिल जाएगा। सामान रखने के लिए प्लेसमेंट वहाँ पे भी आप सामान रखते हैं, उसी के साथ में यहाँ सामान रख सकते हैं, और ये एक तरीके से आपको फोन स्टोरेज के लिए जगह मिल जाती है। यहाँ पे आपको 5 वोल्ट का जो पावर चार्जिंग सॉकेट है यानी USB चार्जिंग पॉइंट है वो मिल जाएगा, और उसी के साथ में इसमें फर्स्ट एड किट के लिए आपको एक जो जगह है वो दी गई है, और इसे आप जो चाबी से लॉक और अनलॉक करने का ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। जैसे आप इसको चाबी से अनलॉक करते तो कुछ इस तरीके से आपको जो स्पेस वगैरह वो मिल जाएगा, जिसमें वो फास्ट एंड किट वगैरह या फिर ये कहते हैं ग्लोव बॉक्स का काम है वो भी ये करता है। चलते पर गाड़ी के अंदर, जैसे गाड़ी के अंदर आएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको स्टेयरिंग मिल जाता है। यहाँ पे आपको कंपनी की बैजिंग मिल जाएगी टाटा की, और उसी के साथ में अगर मीटर की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको इसका जो मीटर है
वो मिल जाता है, पूरी तरीके से डिटेल में आता है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है और उसी के साथ में यहाँ पे जो इसका फ्यूल जो गेज है वो मिल जाएगा और यहाँ पे आपको टेम्परेचर मीटर है वो मिल जाता है। आरपीएम वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है, पर आपको इसमें पूरी तरीके से जितने भी चेक लाइट्स वगैरह है वो है वो सारी चेक लाइट्स वगैरह वो यहाँ पे शो करता है। अगर गेयरबॉक्स की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 5 स्पीड प्लस 1 रिवर्स का गेयरबॉक्स है वो मिल जाता है और 2 लोगों के बैठने के लिए कैप्सी मिल जाती है, ड्राइवर और को ड्राइवर, मतलब टोटल 2 लोग इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। और उसी के साथ में को ड्राइवर के लिए आपको यहाँ पे हैंडल मिलने वाला है। और अगर गाड़ी के इंजन की बात करें तो यहाँ से आपको जो एक गाड़ी की जो सर्विस वगैरह करनी होती है तो उसके अंदर आपको ये सीट वगैरह वो आपको हटानी पड़ती है। और यहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर का एक जो बॉक्स है वो मिल जाएगा और यहाँ पे आपको जो इसका टायर वगैरह को स्टेपनी वगैरह खोलने के लिए जो सामान वगैरह है, टूल किट वगैरह वो भी अपने को इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। अगर गाड़ी के केबिन की बात करें तो पूरी तरीके से वॉक थ्रू केबिन है वो अपने को इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, जिसकी वगैरह से इस गाड़ी में जो स्पेस वगैरह है वो काफी ज्यादा स्पेस वगैरह वो अपने को इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली है। तो कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का जो ओवरऑल प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाती है। अगर गाड़ी के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है तो आप स्क्रीन पे नंबर शो कर रहे होंगे, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और गाड़ी के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह वो भी आप इस गाड़ी के ले सकते हैं। इसी तरीके इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।